बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी कि शनिवार को नवादा जाएंगे। सीएम नीतीश यहां ककोलत जलप्रपात के सौंदर्यकरण का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्षलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री के शिलान्यास में भी शिरकत करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर डीएम और एसपी ने सभी तैयारियों का जायजा लिया है। वहीं सीएम नीतीश पहले 29 जुलाई को नवादा जाने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था, जिसके बाद आज वो नवादा जा रहे हैं। दरअसल ककोलत जलप्रपात के सौंदर्यकरण के उद्घाटन के इंतजार की घड़ियां आज समाप्त होने वाली है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार शनिवार को सौंदर्यकरण कार्य का उद्घाटन करते हुए इसे सैलानियों को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वर्षलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री के शिलान्यास कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं। सीएम के आगमन को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं सभी तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। बता दें ककोलत जलप्रपात को आधुनिक लुक दिया गया है। पर्यटकों के लिए सुविधा, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम, स्नान की सुविधा, पार्किंग की व्यवस्था, सड़क मार्ग, बैरिकेटिंग आदि का स्थल निरीक्षण किया गया है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को ससमय और गुणवत्ता के साथ कार्य को पूर्ण करने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए। वहीं एसपी ने सुरक्षा के लिए सभी पहलुओं पर पुलिस पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ककोलत जलप्रपात अंतर्गत पर्यटक सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। ककोलत जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरणीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह पहल पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।